क्या हाल चाल है। तो आज हम अपने बजूका बॉक्स में फिट करने जा रहे हैं स्पंक ऑडियो को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में, मुझे तो लग ही रहा है आपको भी लगेगा। तो आप पूरी वीडियो देखिए, जर्नी में मेरे साथ रहिए। तो चलो अब हम उस बजूका बॉक्स में इंस्टॉल करते हैं हमारा स्पंक ऑडियो का सबवूफर। तो भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा बाजूका बॉक्स एकदम हो गया है रेडी रॉक करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें चलाया जाएगा स्पंक को, क्योंकि मैंने बनवाया ही इसके लिए था स्पेशली। तो ठीक ठाक है बॉक्स इसका साइज़। अब परफॉर्मेंस इसकी कैसी होगी ये तो चलाकर ही पता लगेगा। फ़िलहाल आप ओवरव्यू देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मैं एक बार घूम कर चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ कि देखने में ये कैसा लगता है। होपफुली देखने में तो बहुत अच्छा है, अब चलने में इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। पर भाइयों, इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि पहले ये इस बॉक्स में लगा हुआ था, अब मैंने उसमें लगा दिया एरोपोर्ट में। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं साइज़ का। ये तो चलो एयरपोर्ट ही है, तो आप मान के चलो ये इतना साइज़ इसका कम हो गया। और वो है एरोपोर्ट, ये है हमारा पोर्टेड एनक्लोजर। तो आप साइज़ में डिफरेंस दोनों के देख सकते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा था इसके हिसाब से, तो हमने बिल्कुल प्रॉपर स्पंक के लिए इस बॉक्स को अब बना दिया है। तो हमने वायरिंग कर दी है, ये देखो, ये है हमारी पॉजिटिव और ये ब्लू वाली नेगेटिव, और इसको हमने ऑलरेडी पहले ही पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जाएगा अब डब्बे के अंदर, और डब्बा जाएगा गाड़ी के अंदर, सॉरी डब्बा नहीं, बाज़ूका। तो वायरिंग वायरिंग वगैरह का देसी जुगाड़ कर रहा हूँ, क्योंकि DIY ऐसे होता है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऐसे ही करो, बट मैंने अपने लिए ये थोड़ा सा जुगाड़ बनाया है, तो मैं तो ऐसे ही करूँगा। अब वायरिंग करके इसको लगाएंगे बॉक्स के सॉरी गाड़ी के अंदर। देसी जुगाड़ की वायरिंग है ये। तो हमारा देसी जुगाड़ रेडी हो चुका है, ये देखिए, ये मेल हो गया, ये वाला फीमेल हो गया। तो मैंने ये रेड निशान ये दोनों तरफ लगा दिया है, जस्ट फॉर टू बी श्योर कि प्लस प्लस में ही जाए। तो ये इसमें ऐसे लग जाएगा, और ये जो वायर है, ये जो हम कट करेंगे इस वायर को, ये हमारा जाकर लगेगा एम्पलीफायर में। तो कुछ इस तरह का जुगाड़ बन गया, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, तो हमें गलती नहीं लगेगी पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए। और इसको मैं काट कर इसको एम्पलीफायर में लगा दूंगा। चलें, चलो चलते हैं। तो भाइयों, लगाने से पहले एक हम फाइनल इम्पीडेंस चेक करेंगे, जो हम हमेशा करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में मैंने लगा दिया है, इसको हम सेट करेंगे। और इसमें से 1 ओम जो है वो ऑलरेडी इसकी जो इम्पीडेंस आ रही है, क्योंकि इनकी वायर्स की अपनी रेजिस्टेंस होती है। तो वह हम चेक करते हैं। तो ये हो रहा है हमको शो 2.1, 2.1, 2.9। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 ओम पे रन हो रहा है सिस्टम, ये सिस्टम 1 ओम पे ही रन हो रहा है। जो 1 ओम एक्स्ट्रा दिखा रहा है वो इसकी अपनी रेजिस्टेंस है। तो हम ये अब चला रहे हैं 1 ओम पर। लगता है भाई साहब आपने हमको लुल्ल समझ रखा। क्या समझ रखा? लुल्ल। तो भाइयों, हमने बॉक्स को अपनी गाड़ी में कर दिया है फिट, और एज यूजुअल ये हमारे मोको के एम्पलीफायर पर ही चलेगा, और हमारी वायरिंग वगैरह भी सारी हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं दूर से, ये देखो दूर से देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मतलब एक बार आप कॉम्बिनेशन देखो इस बॉक्स में, स्पंक ऑडियो का और एरोपोर्ट का बाज़ूका बेस। तो भाइयों, हम अपने स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ आज हमारे भाई हैं मिस्टर रियात, और ये आज मेरी हेल्प करेंगे वीडियो बनाने में। तो आज हम इनसे वीडियो बनवाएंगे। तो अभी हम फिलहाल हम परफॉर्मेंस देखते हैं, जो हमने बॉक्स नया जिसमें स्पंक ऑडियो हमने फिट किया है, तो उसकी परफॉर्मेंस आज हम देखते हैं। चलो। Smoker.
तो भाई लोगों, मेन डिफरेंस जो इस एयरपोर्ट में है दूसरे वाले बॉक्स से, तो इसकी जो बेस है वो थोड़ी है एक्यूरेट। तो इसमें जैसे मिड बेस है वो भी एक्यूरेटली आती है, जो हमारे पोर्टेड हैं वो लो बेस और दूसरी लो बेस तो अच्छी देते हैं, लेकिन जब मिड बेस की बारी आती है तो उनकी एक्यूरेसी ख़त्म हो जाती है। तो हमारा जो ये बजूका है, जो एयरपोर्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें से आपको मिलेगी एक्यूरेट बेस। जो हमारे नोट्स 40 हर्ट्ज़ 45 हर्ट्ज़ वाले नोट्स भी हैं वो भी बहुत अच्छे इसमें सुनाई देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट।